जो दिख रहा है ये है लोदली गांव। तो ये है मेरा ससुराल, देखिए। बात ये देखो कि झपने ली बनी डाल, देखो पूरा सूरजमुखी हो रखे हैं, माने हुए हैं तुम्हारे से ढका है। ये हमारी फोटो, ये शादी के बाद की। हम भी एकदम से मस्त है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जियाल एंड फैमिली में, और साथ में लोदली गांव के इन खूबसूरत वादियों में। तो गाइस, आज मैंने ऑफिस की छुट्टी ले रखी है, तो मैंने कहा आज ससुराल घूम के आते हैं, ज़रा मिल के आते हैं, क्योंकि सैटरडे को हमें वापस निकलना है। तो इस वजह से मैं जा रहा हूँ आज अपने ससुराल। तो अभी मैं बेदीखाल से बुआ को भी छोड़ने, बुआ जाएगी बगड़ी, तो बुआ को छोड़ के और फिर मैं नीचे आ गया हूँ। तो आज बुआ भी चली गई है, तो यहाँ से अब मैं रोड पे, वहाँ बेदीखाल जो ऊपर ऊपर है बेदीखाल, वहाँ से मैं पैदल आ गया हूँ यहाँ पे, और यहाँ से अब मैं जाऊँगा सीधा नीचे वहाँ अपने ससुराल। वहाँ पे सिर्फ एक घर है अकेला, और मतलब दो घर है वहाँ पे पोखरियालों के, तो वहाँ जा रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं अब थोड़ा नीचे, बैग भी हो गया भारी और धूप भी हो गई है। तो गाइस, अभी आपको सामने जो दिख रहा है ये है लोदली गाँव। ये पूरा मतलब उस साइड को ज़्यादा है, बड़ा गाँव है, यहाँ से कमी दिखता है क्योंकि वो धार के उस साइड को जाता है। और मुझे यहाँ जाना है नीचे अपने ससुराल, और ये है बेदीखाल। तो ये मेरे को ना हमेशा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि उस वाली धार से जाना है या इस वाली धार से, इन दो धारों में मेरे को कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो पहले मैं वहाँ पे रुका था, मैंने कहा वहाँ से नीचे जाना है, बट नहीं, अभी हमें मुझे जाना है यहाँ से नीचे। ये वाला रास्ता है जो सही वाला रास्ता है, वहाँ से भी आ सकते हैं पर वो टूटा फूटा रास्ता है, तो अभी हम यहीं से जाते हैं। तो अभी ये वाला रास्ता है जो कि मेरे ससुराल को जाता है लोदली। यहाँ पे गाय भी आ रखी है चरने के लिए, आजकल सही हो रखा है वैसे यहाँ का रास्ता। मतलब चीड़ की पत्तियाँ नहीं गिरी, जो पिरूल बोलते हैं ना जिसको, तो घास की वजह से वो अभी है नहीं, अभी हरियाली है ना इस वजह से, तो रास्ता अच्छा हो रखा है यहाँ का। देखिए बहुत सारे चीड़ के पेड़ हैं यहाँ, तो बड़े बड़े चीड़ के पेड़ हैं, बिल्कुल जंगल है, बिल्कुल जंगल बना हुआ है। तो फाइनली मैं पहुँचने वाला हूँ घर है, यहाँ पे ससुर जी का पुपिया बज रहा है, तो देखो अभी आवाज़ आएगी बंदर भगाने के लिए। आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको पुपिया की। कुत्ता पहले भौंकने लगता है, समझ गया हो कोई आ गया। यहाँ पे बाड़ कर रखी है ताकि जंगली जानवर और मतलब कोई घुसे ना, वैसे जंगली जानवर तो ऊपर से छलांग लगा लेंगे, बट ऐसे ही लगा रखा होगा। देखो मेरे को देख के भौंक रहा है। गाइस, अभी मैं आया हूँ वहाँ से, छोटे जो हमारे ससुर जी हैं उनके घर से। यहाँ पे दो परिवार है, एक छोटे ससुर जी का और एक बड़े ससुर जी का। तो यहाँ पे अभी आजकल चारों ओर फसल हो रखी है, आजकल हर जगह यही हो रखा है, मतलब वही छीमी रयास। पीछे देखो क्या मस्त सीन है, और गांव है उस तरफ, पर वहाँ मेरे पास टाइम भी नहीं है इस बार जाने का, तो मैं वहाँ गया नहीं। और यहाँ का थोड़ा मैं नज़ारा दिखाता हूँ, पेड़ पौधे, ये मस्त नज़ारा। ओ वहाँ उस साइड है ग्यूलाड और बडना वगैरह उस साइड है। यहाँ देखो माल्टे, अभी नवंबर दिसंबर में दोबारा आएंगे इनके लिए,
माल्टों के लिए। ये देखो सारे पेड़ ही पेड़ है। ये है भीमल का पेड़ जो गाय भैंसों को देते हैं। ये अखरोट के पेड़, 1, 2, 3, 4 अखरोट के पेड़ हैं। ये है माल्टे। माल्टे तो बहुत सारे होते हैं यहाँ पे, पिछले ब्लॉग्स में आपने देखा ही होगा। ये है आड़ू का पेड़। ये सुलकणी के फूल है। पिछली बार मैंने बोल दिया था किसी और से फ्योंली का फूल बोल दिया था, तो सबने बोला कि फ्योंली नहीं सुलकणी है, वो मैंने गलती से बोल दिया था। तो ये है सुलकणी का पेड़, मतलब फूल। तो ये है मेरा ससुराल, देखिए ये है पुराने ज़माने का घर, कितना मस्त लगता है ना, पत्थर वाला। पुराने टाइम पे ऐसे ही घर बनते थे और बिल्कुल अच्छे लगते थे। यहाँ पे देखिए कितना मस्त गेट बना हुआ है गुलाब के फूलों का, कितना अच्छा फूल लगा हुआ है। ये पूरा घिरा होता है बट आजकल कम हो रखे हैं, फूल थोड़ा मुरझा गए हैं। अभी सब अंदर हैं, सास जी और ससुर जी दोनों अंदर हैं। ये हैं फूल। देखो पूरा सूरजमुखी हो रखे हैं, ये सनफ्लावर जिसको बोलते हैं। ये चलो अंदर चलते हैं, बढ़िया खाना। सही बात। मौसम भी गर्म हो रहा है। तो गाइज मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ नींबू तोड़ने। नींबू रखे हैं बहुत सारे, अभी नींबू का सीजन है। ये सुप्पू है मेरे हाथ में, तो सुप्पू लेके है नींबू। नींबू नींबू लाना है। ये देखो क्या झपनली बनी दाल नींबू। खुड़ी जै तो नींबू चढ़ना चाहिए रही मी मर ली जाए। देखो भाई मैंने इतने ही नींबू तोड़े हैं क्योंकि आधे अंदर रखे हुए हैं और इतने ही लेके जा रहा हूँ क्योंकि भारी भी हो जाएगा सामान। ये सब मौसमी हो रखे हैं इधर। ये आऊँगा नवंबर में, नवंबर में ले जाऊँगा फिर। ये देखा खूब हो रखे हैं मौसमी इस बार, हर साल ही होती हैं। यहाँ है ये केले का पेड़। अभी ये केला ये हो रखा है अभी कच्चा कच्चा। ये इधर छन्नी, ये हमारी फोटो, ये शादी के बाद की। दाल भी बेचार खड़े ही गया है हवल। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से ये क्वादो जो होता है उसको ढकाया गया है ताकि चिड़िया वगैरह ना खाएं। और ये है गुदड़ी की लगली, इस पर गुदड़ी दिखाई नहीं दे रही। और वो सामने है वो गन्ने का पेड़।
और अभी ससुर जी मेरी तैयारी कर रहे हैं अंदर, और सास जी गई है नीचे गाय को बांधने। तो अभी हालत पस्त हो गई है, धूप लगी है बहुत तेज की। तो भाई साहब हमारी हालत पस्त हो गई है इस धूप में, और ससुर जी तो आगे चले गए जवान आदमी, मेरे को आ रही है खैर। तो अभी हम पहुंचने वाले बेदखल, और 3 बजे वाली बस आने वाली है। खैर है घर ही दानस्त है गए, चेहरा देखो कितना लाल हो गया।